हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदास किचन। फ्रेंड्स, बेटे को लग रही है भूख और उसे चाहिए झटपट सा कुछ टेस्टी, इंटरेस्टिंग सा और यूनिक सा। तो फ्रिज खोलकर देखा तो मेरे पास ये आधी गोभी रखी थी, तो सोचा चलो इसी से कुछ बनाकर देखते हैं। तो इस तरह से ना मैं इसके जो पेटल्स है, ये पत्ते हैं ना, वो अलग कर लूँगी। तो बेसिकली मेरे पास तो ये आधी गोभी जो है रखी है, अगर आपके पास पूरी वाली हो तो उसे ये काफी अच्छा जो है बन जाएगा। तो इसके पत्ते जो है ना हमने खोल देने हैं, तो जो टूटे हुए हैं वो मैं अलग कर दूंगी और इस तरह से इसके पत्ते जो है मैं सारे खोल लूंगी। पूरी गोभी हम इस तरह से खोल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, काफी सारे ये पत्ते निकल आए हैं, हमारा काम इन्हीं से चल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन्हें जो है थोड़ा सा बॉईल करेंगे ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो बॉईल करने के लिए यहाँ मैंने पहले ही पानी जो है गर्म करने रख दिया था और इस तरह से इनको डाल देंगे। तो इन्हें 2 से 3 मिनट तक हम सॉफ्ट होने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ट्रांसपेरेंट से हो गए हैं और ये सॉफ्ट भी हो गए हैं, ये देखिए। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और इन्हें जो है छन्नी में रख लेंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारी जो पत्ता गोभी की लीव्स हैं वो सॉफ्ट होती हैं, ठंडी होती हैं, उन तब तक हम एक स्टफिंग जो है तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और इस ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया, इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। गैस की फ्लेम को हम स्लो ही रखेंगे। ये रेड चिली, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा धनिया और इसे जो है अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ी सी हल्दी और साथ ही जाएगा थोड़ा सा चाट मसाला और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें हम रख देंगे हमारे ये पनीर के स्लाइसेस और इन्हें थोड़ा सा हमने रोस्ट करना है दोनों तरफ से। तो देखिए कितने बढ़िया से ये हमारे जो पनीर है वो फ्राई हो रहे हैं। तो पनीर हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारे पत्ता गोभी के लीव्स हैं ये ठंडे हो गए हैं और इसका जो ये मोटा पार्ट्स था मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह का जो ये बीच का मोटा स्टेम था वो मैंने हटा दिया है और आसानी से ये हट जाएगा। ये देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से इसे हटा लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, हमारा पनीर का एक पीस लेंगे और इसे जो है हम इसके अंदर स्टफिंग कर देंगे और इसे जो है अच्छे से हम फोल्ड कर देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हमने इसे फोल्ड करना है और इसे ऐसे रख देना है और इसी तरह से हम बाकी के भी कर लेंगे। बहुत आसानी से हो जाते हैं क्योंकि पत्ते जो है ना हमारे ये अच्छे खासे सॉफ्ट हो चुके हैं और इस तरह से इसे हम रखते चले जाएंगे। देखिए बिल्कुल नहीं खुलेंगे, बहुत ही बढ़िया बनके ये रेडी होंगे। तो मैं बाकी के भी सारे इसी तरह से बना लूंगी। आप चाहे ना तो इसमें आप सॉस वगैरह भी लगा सकते हैं, पर हमने पनीर को बढ़िया से जो है ना फ्राई कर लिया है तो अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं नहीं लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप लगा भी सकते हैं, बस इसी तरह से इसे हमने फोल्ड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी जो रोल्स हैं वो रेडी हो गए हैं। अब हम इसकी आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने सेम पैन ले लिया है जिसमें कि मैंने पनीर फ्राई किए थे, हम उसी में ये बना लेंगे। तो ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे और इसमें हम डाल देंगे हमारे थोड़े से प्याज और इन्हें थोड़ा सा हम सौते कर लेंगे। और अब मैं इसमें डाल दूंगी ग्रीन कैप्सिकम
रेड कैप्सिकम और साथ में थोड़ी सी ग्रीन चिली। तो इन्हें हम अच्छे से सौते कर लेंगे। यहाँ मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, अगर आपके पास नहीं है तो आप फ्रेश वाला भी ले सकते हैं। और अभी तक आपने देखा कि इसमें हमने कोई मसाले ऐड नहीं किए हैं, बस सब्जियों को थोड़ा सा हम सौते करेंगे ताकि ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। और अब मैं इसमें थोड़ा सा टमाटर ऐड कर दूंगी, आधा टमाटर है। इसे भी मिक्स करेंगे। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा नमक स्वादानुसार और साथ में डालूंगी थोड़ी सी काली मिर्च और इसे मिक्स कर देंगे। और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी और सब्जियों को हम 1 से 2 मिनट तक इसी में पका लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सब्जियां जो है हमारी कुक हो गई हैं। और अब मैं गैस को कर दूंगी बंद और इसे 1 से 2 मिनट के लिए हम रख देंगे ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये जो है ना ठंडा हो गया है और इसे मैं मिक्सी में डाल दूंगी और इसका एक फाइन सा पेस्ट हम रेडी कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अच्छे से प्यूरीज की बना ली है। और वापस से जो है मैंने ये पैन ले लिया और इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा बटर और इसे गर्म होने देंगे हम। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा गार्लिक और इसे थोड़ा सा सोते कर लेंगे इसी में। और अब डाल देंगे ये प्यूरी जो अभी हमने बनाई है और इसे मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम हम स्लो ही रखेंगे। और इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा रेड चिली और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने पहले रेड चिली नहीं डाली थी। और मसाले ना इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच ये फ्रेश मलाई है, आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। और इसे मिक्स कर देंगे। और अब क्या करेंगे, जो हमने डम्पलिंग्स बनाए थे कैबेज और पनीर के, इसे ना मैंने सिक्योर कर लिया है टूथपिक से, ये देखिए। और ये इसमें रख देंगे। वैसे तो ये नहीं खुलते हैं पर फिर भी सिक्योर कर लेना ठीक रहेगा। और इसे हम इसमें डाल देंगे। और इसे अच्छे से यहाँ से साइडों से हिला देंगे और थोड़ी थोड़ी जो ये ग्रेवी है ये इसके ऊपर ही डाल देंगे हम। बहुत ही बढ़िया ये इवनिंग स्नैक्स कह दीजिए या फिर आप इसे जो है नाश्ता कह दीजिए, बहुत ही बढ़िया बनता है, हेल्दी भी है। और मैं इसे ग्रेवी के साथ बना रही हूँ पर आप ना इसे बटर में फ्राई करके भी बना सकते हैं अगर समय कम है तो, वो भी बहुत ही बढ़िया लगता है। पर ऐसे भी ये अच्छा लगता है विद ग्रेवी। तो इसे जो है ना थोड़ा सा हम 1 से 2 मिनट इसी में पका लेंगे ताकि इसके जूसेस जो है ना आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए बहुत ही बढ़िया ये बन रहे हैं। और थोड़ा सा भी हम धनिया डाल देंगे फ्लेवर के लिए, बाकी धनिया हम गार्निश के समय पे डालेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे डम्पलिंग्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं, इन्हें हम गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा पत्ता गोभी पनीर का ये नाश्ता, या इसे स्टार्टर भी कह सकते हैं या इसे स्नैक्स भी कह सकते हैं। सुबह खाइए, शाम को खाइए, रात में खाइए, किसी भी समय खाइए, बहुत ही अमेजिंग लगता है। साथ ही साथ जो पत्ता गोभी खाना पसंद नहीं करते वो भी इसे मांग मांग कर खाएंगे। आई होप कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगली बार एक और ईजी और इंटरेस्टिंग और हेल्दी रेसिपी के साथ आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।